और हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी बर्थडे टू यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर, रसना आपके साथ है। आज के भोजपुरी कंटेंट के लिए हमारे पास आया है एक बहुत ही दिलचस्प प्यारा सा वीडियो। जी हाँ, इस वीडियो में आपको भोजपुरी के जाने माने सितारे नजर आएंगे। आपको बता दें कि मौका था पवन सिंह यानी कि भोजपुरी के सलमान खान के बर्थडे का। यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है और खेसारी लाल यादव ने खुद लाइव आकर इस वीडियो में क्या कुछ कहा है, चलिए देखते हैं। स्टार्ट बाय। हाँ, प्रणाम नमस्कार और हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी बर्थडे टू यू। अपने बड़े भाई पवन भैया के साथ हूँ आज मैं। और रोका ना तू, कहा उंगली कैले रह तरह सुन लिया भैया। हमारे छपरा के मसीहा है, बड़ भाई हम कहे तो अब अपने मन से बड़ भाई हो बतू। हाँ, बड़ भाई मैंने हमारे ही नहीं, पूरे इंडस्ट्री के बड़े भाई हैं ये, सारे स्टारों के बड़े भाई हैं और हमारे ही नहीं। और आज अच्छा लग रहा है, मैं पवन भैया के घर पे हूँ, ऑफिस पे हूँ, अरे और मजा आ रहा है। और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, ये बिक्की जी हैं, हम लोग के पूरे जगत सार हैं ये। और ये अमित जी, मोटू जी, ये हमारे दीपक भैया जो कि ऐसे एक इंसान है कि पूरे कलाकारों के दिल में रखते हैं और हर कलाकार के दिल में हैं भी ये। और वो निशांत उज्ज्वल जी हैं, प्रशांत निशांत उज्ज्वल, इनका एक सिनेमा आया था, इन्होंने बनाया है, बहुत सारा सिनेमा रिलीज भी करते हैं, मेहंदी लगा के रखना तेरी इन्होंने ही बनाया था। इधर है हमारे मोनू बाबा, देखिए हमारे बड़े भैया के मेकअप में नहीं है ये विवेक है, ये सारी पूरी दुनिया है। और हमारे बड़े भाई रजनीश मिश्रा जी जो कि हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने बड़े भैया का जन्मदिन को, तो दिल से प्रणाम कि आप लोग ऐसे ही प्यार मेरे बड़े भैया पवन भैया को इतना बड़ा प्यार से भर दीजिए कि 2021 में इनका डंका डंका ही नहीं एकदम लंका बजता रहे मेरा भाई, और पूरी दुनिया इनको ऐसे ही मोहब्बत करती रहे। आज कितना अच्छा लगा था, हमारा भाई इतने श्रद्धा से केक लाया, दिल से काटा और इतने मस्ती मूड में है, तो मैं थैंक यू ही बोलूंगा अपने भाई को। लव यू टू, लव यू ऑल, और ऐसे ही प्यार भैया को देते रहिए, थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरीके से मस्ती भरे अंदाज में दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और दोनों के बीच में काफी प्यार भी नजर आ रहा है। हालांकि लोगों का यह कहना है कि यह प्यार बरकरार रहना चाहिए ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री आने वाले दिनों में और भी ज्यादा शाइन करे। तो आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम दिखाते रहेंगे, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। भोजपुरी के डेली कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए और कमेंट करना भी मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।